hello students welcome back hope you are doing well so let's continue with our chapter number 13 the conjunction so let's start the chapter chapter number 13 the conjunction the words which are used to join words phrases and clauses are called the conjunctions conjunctions wo words जिनकी हेल्प से हम दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं या दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स क्लाजेज वर्ड्स फ्रेजेज और सेंटें तो कंजंक्शन वो वर्ड हुए जो ज्वाइन करते हैं दो वर्ड्स को दो सेंटेंसेस को दो फ्रेज़ेस को या दो क्लॉजेस को टाइन्स ऑफ कंजंक्शन कंजंक्शन के मेनली दो टाइप्स होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कन्जंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं ये वो कन्जंक्शंस होते हैं जो वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और उन सेंटेंसेस या उन वर्ड्स या उन फ्रेजेस को जॉइन करते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस या जिनकी पोजीशन एकदम इक्वल होती है ये ऐसे दो वर्ड्स को जॉइन करते हैं सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये वो कंजंक्शंस होते हैं जो उन वर्ड्स या उन सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं जो इंपॉर्टेंस में एक दूसरे से लोअर होते हैं कबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन बी यूज इन द बिगनिंग एज वेल एज इन द मिडिल इन सेंटेंस सेंटेंस में कबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के और मिडल में भी बट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसे हम हमेशा सेंटेंस के मिडिल में यूज करते हैं तो इस क्वालिटी से आप इजिली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेटिंग क्योंकि अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होगी तो अब हम देख लेते हैं काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फर्स्ट है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन जिनमें चीजों को एड करने की कैपेसिटी होती है जो चीजों को एड करती है या हम कह सकते हैं क्यूमुलेट करती हैं वो होती है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जैसे एंड एज वेल एज एग्जाम्पल्स हैं रिया एंड भूमि पर रिया और भूमि को हमने एड कर दिया एक साथ लिख दिया तो एंड का यूज करके आर रियल सिस्टर्स सागर वेंट टू भोपाल एंड विजिटेड द साची स्तूप शिखा इज टॉल एज वेल एज ब्यूटिफुल आई एज वेल एज यू एम गिल्टी है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस ये वो कंजंक्शंस होती हैं जिनमें सेंस होती है चॉइस की जहां पर हमारे पास चॉइस होती है या तो ये या ये तो वो कहलाती है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन जैसे और अदरवाइज ईदर और नीदर एग्जाम्पल्स हैं शी मस्ट वीप और शी मस्ट आई ईदर क्वाइटली और गो अवे एट या तो चुप बैठो या एकदम से चले जाओ टेल मी द्रूथ एल्स यू विल सफर वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल ना ना तो तुम ना तुम दोनों में से कोई मेरा फ्रेंड नहीं है वर्क हार्ड और यू विल तो ऐसे कंजंक्शन होते हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस ये वो कंजंक्शंस होते हैं जिनमें कंट्रास्ट की या ऑपोजिट मीनिंग की सेंस होती है जैसे पट येट स्टिल एटसेट्रा तो एग्जाम्पल्स क्या है ही इज पुअर वो पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है is rich, rich है, yet he is miser, पर है. है. पर पर तुम rich हो, still you are not proud. फिर भी तुम्हें proud नहीं तो यहाँ पर दो बातें कंट्रास्ट करती हैं, ऑपोजिट होती है फोर्थ है conjunctions. वो कंजंक्शन जिनमें इनफेरेंस की सेंस हो मतलब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से प्रूव हो तो ऐसे कंजंक्शंस होते हैं इलेटिव कंजंक्शंस इसके लिए हम सो देयर फोर फॉर का यूज करते हैं एग्जाम्पल देखिए ओम डिड नॉट वर्क हार्ड सो तो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन अब उसने वर्क हार्ड नहीं किया इसलिए वो एग्जामिनेशन में फेल हुआ तो एक फैक्ट दूसरे पर डिपेंड करता है He he was guilty, therefore he was guilty, therefore punished. Take medicine for you are not feeling well. अब देखते हैं subordinating conjunctions.

बिकॉज आई वॉज लेट टू क्लास आई वॉजिश इफ यू कम हियर आई विल गो अलॉन्ग विच आई गो टू मुरादाबाद इज वेरी लेट ऑल दो ही मार्केट नाउ टाइम टू आंसर एक क्वेश्चन है अंडरलाइन द कंजंक्शंस एंड राइट देअर काइंड यहां पर आपको कंजंक्शंस अंडरलाइन करना है और काइंट लिखना है फर्स्ट है इज हर नेम आरुषि और वंशिका अब यहां पर तो ये हमें पता ही चल रहा है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है पर ये कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो हम वो काइंड भी यहां पर लिखेंगे तो यहां पर ये जो और है ये है ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काइंड है नेक्स्ट है कैच मी इफ यू कैन अब यहां पर ये है सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन नेक्स्ट है इज स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट तो यहां पर तो ये क्या है क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव कंजंक्शन नेक्स्ट ही स्लो बट स्टडी तो यहां पर कंट्रास्ट है तो ये है एडवर्सेटिव नेक्स्ट है टू एंड एंड कंजंक्शन है और बाकी उसमें सबके सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो हमने कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के काइंस यहां पर लिखे हैं इसी तरह से बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे नाउ पी क्वेश्चन फिल इन ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शन टेबल so, कंजंक्शंस के साथ आपको ब्लैंक फिल करना है इट इज रेनिंग बट बारिश हो रही है बट ही मस्ट गो टू ऑफिस लुक बिफोर यू लीव। नेक्स्ट माई फ्रेंड्स एंड आई विल गो टू जू नेक्स्ट, ही वाज़ वेरी हैप्पी बिकॉज

तो इसका हो जाएगा इट इज टाइम टू गो होम सो वी आर गेटिंग इन टू आर कार नेक्स्ट है दिस इज द हाउस वी मेट हेयर तो इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे कंजंक्शन से दिस इज द हाउस वी मेट नेक्स्ट आई विल नॉट गो टू प्ले आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट वर्क ये हो जाएगा आई विल not go to play until until i will finish this project work next, she came over. i called her. the yoja she came over after i called her. next is, i was fresh and clean. i finished my bath. the yoja i was fresh. एंड क्लीन आफ्टर फिनिश्ड माई पाथ तो इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस को आप खुद ज्वाइन करेंगे नाउ डी क्वेश्चन रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज करेक्टली सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है करेक्ट करके बिकॉज आई स्टेट एट होम आई वॉज टायर्ड क्योंकि मैं घर पे था इसलिए मैं थक गया नहीं का बनेगा ऑल दो आई स्टेट एट होम जबकि मैं घर पे था आई वॉज टायर्ड फिर भी मैं थक गया नेक्स्ट अनुज और मनु आर ब्रदर्स तो यहां पर आएगा अनुज एंड मनु आर ब्रदर्स नेक्स्ट ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट तो इसका आ जाएगा ही इज पुअर वो पुअर है वो गरीब है बट ऑनेस्ट लेकिन ईमानदार है नेक्स्ट लिसन टू योर टीचर एंड शी सेज तो यहां पर हो जाएगा लिसन टू योर टीचर अपने टीचर को सुनो जैसा वो कहती है एज शी सेज नेक्स्ट डॉग्स पार्क वैंड बर्ड्स फ्लाई तो ये हो जाएगा डॉग्स बार एट बर्ड्स फ्लाय इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर थर्टीन यहाँ फिनिश हो गया है होपफुली आपको कंजंक्शन अच्छे से समझ आए होंगे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे